हेलो दोस्तों, राधे राधे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सीखने वाले हैं एनिमल टिश्यूज के बारे में। तो लेट मी जस्ट राइट द हेडिंग फर्स्ट, एनिमल टिश्यूज। तो सबसे पहले दोस्तों, टिश्यूज क्या होता है इसके बारे में जरा जानते हैं। तो टिश्यूज सेल्स का ऐसा एक ग्रुप है जिसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी प्रेजेंट होता है और कुछ फाइबर्स भी हो सकते हैं। तो टिश्यू एक्चुअली में एक ग्रुप ऑफ सेल्स है। तो बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होंगे जिन सेल्स का ओरिजिन सेम होगा और फंक्शन भी सेम होगा। ठीक है, तो ऐसे सेल्स और उनके बीच में बहुत सारा मैट्रिक्स भी हो सकता है। डिपेंड करता है, ये मैट्रिक्स डिपेंड करेगा टिश्यू टू टिश्यू कि ये मैट्रिक्स किस चीज का बना होगा। ठीक है, ये ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ये भी वैरी करेगा टिश्यू टू टिश्यू। लेकिन बहुत सारा मैट्रिक्स हो सकता है, उसके साथ साथ सम फाइबरस प्रोटीन्स हो सकते हैं। तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू। तो सेल्स प्रेजेंट होंगे जिनका ओरिजिन सेम होगा और फंक्शन भी क्या होगा, सेम। तो यहां पे डेफिनेशन बन जाती है दोस्तों टिश्यू की। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सेम ओरिजिन एंड फंक्शन। तो ऐसे सेल्स का ग्रुप जिसका ओरिजिन और फंक्शन सेम है, ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू, अलोंग विथ इट्स मैट्रिक्स एंड फाइबर्स। तो दोस्तों, एनिमल्स के अंदर चार प्रकार के टिश्यूज होते हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं। लेट मी जस्ट इरेज दिस, तो मेनली एनिमल्स के अंदर चार प्रकार के टिश्यूज होते हैं। आई होप इट इज विजिबल टू यू। सबसे पहला टाइप है टिश्यू का, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, सॉरी, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल सबसे फर्स्ट में आता है। फिर दूसरा टाइप है कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा टाइप है मस्कुलर टिश्यू। और चौथा टाइप है न्यूरल टिश्यू। तो बेसिकली ये चार प्रकार के टिश्यूज आपको एनिमल्स में देखने को मिलेंगे, इपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। तो आइए जानते हैं एक एक के बारे में कि ये क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं इपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो दोस्तों, इपिथेलियल टिश्यू बेसिकली कवरिंग्स बनाने में, ऑर्गन्स की कवरिंग्स बनाने में हेल्प करते हैं, चाहे वो इंटरनल ऑर्गन्स हो या एक्सटर्नल ऑर्गन्स हो। ऑर्गन्स की कवरिंग बनाने में इपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट हेल्प करेंगे। टिश्यूज की खास बात ये है कि टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यूज एक साइड से ओपन होते हैं क्योंकि कवरिंग बना रहे हैं वो। समझो ये ऑर्गन है, लेट से दिस इज अवर स्टमक। तो स्टमक के कवरिंग बनाने में इपिथेलियल टिश्यू हेल्प करेंगे, इंटरनल एज वेल एज इपिथेलियल। मतलब इंटरनल ही नहीं होंगी तो एक्सटर्नल ही नहीं कवरिंग होगी बल्कि इंटरनल कवरिंग भी हो सकती है, ऑर्गन्स की कवरिंग। ठीक है, तो इपिथेलियल टिश्यू कवरिंग्स बनाने में हेल्प करती है हमें।
ऑफ ऑर्गन एज वेल एज ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स होती है उसकी कवरिंग, इंटरनल एक्सटर्नल कवरिंग बनाने में भी इपिथेलियल टिश्यूज हमें हेल्प करेंगे। ठीक है, इपिथेलियल टिश्यूज भी दो टाइप्स के होते हैं, हालांकि बहुत सारे टाइप्स है, मेनली दो टाइप्स होते हैं, सिंपल इपिथेलियम एंड कंपाउंड इपिथेलियम, वो आगे देखेंगे हम। बाद में दूसरा टिश्यू का टाइप है कनेक्टिव टिश्यू। देखो कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो दो या दो से ज्यादा ऑर्गन्स को कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। दे बेसिकली हेल्प्स इन हेल्प्स टू कनेक्ट टू और मोर ऑर्गन्स इन अवर बॉडी। एक से ज्यादा ऑर्गन्स को कनेक्ट करने में कनेक्टिव टिश्यू हेल्प करेगा, एक से ज्यादा ऑर्गन। तो इसका भी सबसे बेस्ट एग्जांपल आता है दोस्तों ब्लड। देखो ब्लड पूरी बॉडी में घूमता रहता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट करने के लिए, या फिर जो गैसेस है, एसेंशियल गैसेस जो ऑक्सीजन और CO2 है, उनका ट्रांसपोर्ट करने के लिए ब्लड पूरी बॉडी में घूमता रहता है इनसाइड दी ब्लड वेसल्स, तो वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। बोन्स एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, बोन्स के अंदर जो लिगामेंट्स आते हैं, सॉरी लिगामेंट्स और जो टेंडन्स होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तो ये सारे कनेक्टिव टिश्यूज के एग्जांपल्स हैं, आगे देखेंगे हम उनके टाइप्स कनेक्टिव टिश्यूज के भी। फिर तीसरा टाइप है दोस्तों मस्क्यूलर टिश्यू। देखिए मस्क्यूलर टिश्यू हमारे बॉडी के अंदर सपोर्ट के लिए हेल्प करता है, सपोर्ट से भी ज्यादा बोलने से अच्छा है कि जो मूवमेंट ऑफ द बॉडी है, मूवमेंट एज वेल एज लोकोमोशन, इसके लिए हेल्प करता है मूवमेंट एंड लोकोमोशन। देखो अभी जैसे मैं अभी ये अपने हाथों को ऐसे हिला रहा हूं, तो जो मस्क्यूलर टिश्यूज होंगे, जो स्केलेटल मसल्स होते हैं बेसिकली, जो हमारे स्केलेटन से अटैच्ड होते हैं, बोन से अटैच्ड, जो मसल्स बोन से अटैच्ड होते हैं उनको हम मस्क्यूलर टिश्यूज बोलते हैं। तो सॉरी, जो मसल्स बोन से अटैच होते हैं उनको हम स्केलेटल मसल्स बोलते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होंगे तभी जाकर हमारी बॉडी ऐसी मूव करेगी, राइट। तो मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं मस्क्यूलर टिश्यूज, देयर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन वी कैन मूव अवर बॉडी। और लोकोमोशन में भी हेल्प कर रहे हैं हमें इधर से उधर जाने के लिए, जैसे मैं अभी यहाँ पर चल रहा हूं, तो चलते वक्त मेरे थाईज और लेग्स के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे हैं तब जाकर मैं चल पा रहा हूं। तो मस्क्यूलर टिश्यूज हमें मूवमेंट और बॉडी मूवमेंट और लोकोमोशन के लिए हेल्प करते हैं। फिर तीसरा एक टाइप है न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू हमें हेल्प करता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना हो, सिग्नल्स प्रोवाइड करना हो, तो बॉडी कंट्रोल करनी हो, ये सारे काम न्यूरल टिश्यू के हैं, ठीक है। तो टिश्यूज चार प्रकार के होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। इपिथेलियल जो कवरिंग्स बनाने में हेल्प करेंगे, कवरिंग्स ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स, ठीक है। फिर कनेक्टिव टिश्यूज जो दो और उससे ज्यादा ऑर्गन्स को कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। फिर आते हैं मस्कुलर टिश्यूज जो बॉडी मूवमेंट और लोकोमोशन में हेल्प करेंगे, और फिर आते हैं न्यूरल टिश्यूज जो हमें हमारी बॉडी को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। तो आइए एक एक टिश्यूज को ध्यान से सीखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इपिथेलियल टिश्यू में, और इस वीडियो में हम अभी इपिथेलियम टिश्यू के ऊपर फोकस करते हैं, उसके नेक्स्ट वीडियो में फिर हम जाएंगे कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर, ठीक है। सो लेट मी पॉज दिस। तो दोस्तों सबसे पहले हम इपिथेलियल टिश्यू को स्टडी करते हैं। इपिथेलियल टिश्यू
देखिए इपिथेलियल टिश्यूज, जैसा कि हमने देखा कि हमारी ऑर्गन्स की कवरिंग्स बनाने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख दूं कि इपिथेलियल टिश्यू होता क्या है। दे द टिश्यू हेल्प्स इन फॉर्मिंग दी कवरिंग एंड इंटरनल लाइनिंग्स लाइनिंग ऑफ द ऑर्गन्स एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स और ऑर्गन्स। और इसमें देखिए मैट्रिक्स कम होगा, सेल्स इसके अंदर सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। जो सेल्स प्रेजेंट होंगे वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा ऐसे पास में होंगे, उनके अंदर बहुत ही कम इंटरसेलुलर स्पेस होगा, दो सेल्स के बीच में गैप कम होगा, ठीक है। फिर मैट्रिक्स भी कम होगा, मैट्रिक्स इज लेस। कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर ज्यादा मैट्रिक्स होता है एपिथेलियल के अंदर, क्योंकि देखिए कोई भी चीज की कवरिंग अगर बनानी है तो उसमें लीकेज ना हो तो सेल्स के अंदर गैप भी कम होगा। एक्चुअली में जंक्शंस बहुत प्रेजेंट होते हैं, दो सेल्स को कनेक्ट करने वाले जंक्शंस इसके अंदर एपिथेलियल टिश्यू के अंदर, तो गैप बहुत कम होता है क्योंकि कवरिंग्स बनानी ही, देखो कवरिंग बनाने का फायदा ही क्या अगर उसके अंदर लीकेज हो तो, ठीक है। तो ये मेनली दो टाइप्स के होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज। सबसे पहले तो आते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल एपिथेलियल और कंपाउंड एपिथेलियल। सिंपल एंड कंपाउंड एपिथेलियल, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि एपिथेलियम जो टिश्यू होता वो एक जगह से एक तरफ से वो ओपन होता है, तो समझो ये सेल्स है एपिथेलियल टिश्यू के, तो वो अटैच होंगे एक नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन से जिसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो सिंपल टिश्यू के अंदर एक ही लेयर होती है सेल्स की, ऐसी ये सेल्स एक दूसरे से कॉम्पैक्टली पैक्ड, और उसके नीचे होंगी नॉन सेलुलर लेयर जो प्रोटीन से बनी हुई होती है जिसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या है ये? बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये उसकी सेल्स, मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन और उसके ऊपर सेल्स की लेयर, लेकिन एक ही सेल्स की लेयर होगी। तो सिंगल लेयर होती है लेयर ऑफ सेल्स, किसमें? सिंपल के अंदर। और कंपाउंड के अंदर एक से ज्यादा लेयर्स होती है। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कि एक नॉन सेलुलर लेयर है प्रोटीन से बनी हुई, बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो कि नॉन सेल्यूलर होती है और उसके ऊपर सेल्स प्रेजेंट है, लेकिन ये कंपाउंड है तो इसमें क्या होगा? एक से ज्यादा लेयर्स होंगे सेल्स। कंपाउंड का मतलब ही होता है दोस्तों एक से ज्यादा चीजों का प्रेजेंट होना। तो सिंपल के अंदर एक ही लेयर होती है सेल्स की, तो एक जगह से एपिथेलियल टिश्यू है तो वो एक जगह से देखो ओपन होगा, ये वाली साइड से वो क्या है? ओपन। और एक जगह पे क्या होगी? उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कि नॉन सेलुलर लेयर है।
सिंपल के अंदर सिंगल लेयर ऑफ सेल होती है और कंपाउंड के अंदर मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स होती है। ठीक है, देखिए सिंपल टिश्यू का फंक्शन मतलब कहां कहां पर काम आता है, डिफ्यूजन में काम आता है। डिफ्यूजन मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, जैसे कि अल्वियोलाई में होता है, अल्वियोलाई से ऑक्सीजन जाता है हमारे ब्लड कैपिलरीज के अंदर, तो वहां पर ये हेल्प करेगा सिंपल एपिथेलियम मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने में इधर से उधर। फिर फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है, जैसा फिल्ट्रेशन होता है हमारे किडनीज के अंदर, नेफ्रॉन्स के अंदर, वहां पर एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होगा। फिर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन होता है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, वहां पर ये हेल्प करता है। ठीक है, और सिक्रीशंस में हेल्प करता है, सिक्रीशंस होता है हमारे ग्लैंड्स के अंदर, ग्लैंड्स के अंदर ग्लैंड्स कुछ ना कुछ सिक्रीट करते रहते हैं, म्यूकस हो गया, हॉर्मोन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, इनके सिक्रीशन में इपिथेलियल सिंपल इपिथेलियम हेल्प करता है। और रही बात कंपाउंड इपिथेलियम की, तो ये प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, स्किन के कुछ लेयर्स में प्रेजेंट होगा कंपाउंड इपिथेलियम। ठीक है, तो प्रोटेक्शन जो मैकेनिकल स्ट्रेस है उससे बचाने में हेल्प करता है हमें, हेल्प्स इन प्रोटेक्शन फ्रॉम द मैकेनिकल स्ट्रेस। तो इसीलिए उसके अंदर बहुत ज्यादा सेल्स की लेयर्स होती है, तो वो हमें हेल्प करता है। ठीक है, तो सिंपल इपिथेलियम डिफ्यूजन जो कि होता है एल्वियोलाई में, ठीक है, फिल्ट्रेशन जो होता है नेफ्रॉन्स के अंदर, एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है वहां पर कोलमनार इपिथेलियम प्रेजेंट होता है। तो देखेंगे हम कौन सा किसमें प्रेजेंट होता है, सिक्रीशंस जो ग्लैंडुलर टिश्यूज है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अभी हम सिंपल इपिथेलियम के अंदर जो टाइप्स आते हैं वो सीखेंगे, एक्चुअली हम उसके लिए नेक्स्ट वीडियो पे जाते हैं क्योंकि आई थिंक ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो यहीं पर हम रुकते हैं। इसके पार्ट सेकंड में आप सिंपल इपिथेलियम टिश्यू के टाइप सीखोगे। थैंक यू सो मच, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ जो नीड एस्पायरेंट्स है उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, राधे राधे।